ऐसा क्या हुआ कि मारुति को फ्रॉन्क्स लाना पड़ा? ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है फ्रॉन्क्स का, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। इंडिया में एसयूवी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जितने भी वेरिएंट है, चाहे वो सिग्मा से आप अल्फा तक जाएंगे, टायर प्रोफाइल आपको सेम मिलेगा। जो बैक है इसका वो काफ़ी यूनिक लगता है, काफ़ी स्मूथ इंजन है, जो स्पेशली BS6 फेज 2 आया है उसके बाद तो ये AC भी ऑन है, लेकिन आप इंजन की आवाज़ देखेंगे बिल्कुल ना के बराबर है। और 3 पैसेंजर्स भी अगर मैं मानूं बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे नहीं रहेंगे तो इसमें बैठ पाएंगे। हेलो दोस्तों, ऑटो ट्रिप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत सिंह, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी कार जिसका एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, जो कि नेक्सा डीलर के थ्रू सेल की जाती है। और फ्रॉन्क्स, ऐसा क्या हुआ कि मारुति को फ्रॉन्क्स लाना पड़ा? कई लोग इसको बलिनो से कंपेयर कर रहे हैं, कई लोग ग्रैंड विटारा से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मारुति ने एक ऐसे नए सेगमेंट को जन्म दिया है जो आप अभी तक, आपको बहुत पुराने में अगर मैं पीछे ले जाऊं, आपको याद होगा अगर हम फॉक्सवैगन पोलो की बात करें तो उसमें पोलो क्रॉस एक आती थी जो थोड़ा सा एक एस्ट्रॉइड वर्जन होता था, फिर फीएट की एक एडवेंचर करके कार आती थी, और वहीं अगर हम फोर्ड फीगो पे जाएं तो फोर्ड फीगो फ्री स्टाइल आती थी। ये उसी का ही एक वर्जन है जिसको अपग्रेड करके अब, क्योंकि इंडिया में एसयूवी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बलिनो है, बलिनो के बाद भले ही नेक्सा के थ्रू बलिनो सेल होती है, मारुति के थ्रू आपकी ब्रेजा सेल होती है, लेकिन दोनों के बीच लगभग 1.5 लाख का गैप था, और मारुति को ये समझ में आ रहा था कि इस गैप पे उनके जो कस्टमर्स हैं वो कहीं और जा सकते हैं, इसीलिए उस गैप को फिल करने के लिए बलिनो से लगभग 80,000 रुपये करीब इसको महंगा किया है, और वहीं ब्रेजा से 80,000 नीचे। तो वो जो गैप था मारुति ने उसको फिल कर दिया है। ये एक स्मार्ट प्ले है मारुति की तरफ से, और मारुति को पता था कि हम, आप अगर शुरू से ऑल्टो K10 से उठाएंगे और ग्रैंड विटारा तक जाएंगे तो आपको हर 50,000 से 80,000 रुपये में एक नई गाड़ी मिल जाएगी, तो उसी को मारुति ने यहाँ तेज़ किया है। और अब हम आपको बताते हैं, ये हमारे पास, हालांकि ये 2 वेरिएंट है, ये आपको हम कंपैरिजन कर बताएंगे और अलग अलग भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इसकी। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है फ्रॉन्क्स का, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। ये बेस से तीसरे नंबर पे आता है, पहले सिग्मा आता है, फिर डेल्टा आता है, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है। अब हम आपको पहले फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट से आप इसको SUV लुक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये बोनट आपको फ्लैट नज़र आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको एक फ्लैट एलिमेंट मिलेगा जो कि इसको एक बॉक्सी शेप देता है, जिसके कारण इसको SUV लुक बोला जा रहा है। मोर ओवर कि आप इसको एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर बोले, इससे अच्छा इसको आप एक कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर समझें, क्योंकि जो इसका फ्रंट भी है इन्होंने अपनी SUV से ग्रैंड विटारा से लिया है। आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं किस तरह की आपको ग्रिल मिली है, लगभग वैसी ही ग्रिल मिले है। क्रोम की जो लाइन है वो थोड़ी सी इसमें ट्रीटमेंट अलग है ग्रैंड विटारा में, यहाँ पे भी क्रोम कंटिन्यू रहता है तो एक रेक्टेंगल शेक आपका बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो वही सेम आपको LED DRLs मिलते हैं, जो कि मारुति ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है कि पूरी LED ना करते हुए 3 बार्स में आपको ये LED मिलती है। ये जला के भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि आपको एक अच्छा थ्रो देती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नीचे भी ये एक तरह का बम्पर का ही अटैचमेंट है, लेकिन एक स्किड प्लेट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये अलग से है, ये एक आप कह लें एक सिल्वर स्किड प्लेट है, अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ तो ये अलग है, ये सिल्वर आपको SUV लुक। और एक और चीज़ है दोस्तों, मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे बेंड हूँ और आपको दिखाऊँ, यहाँ पर भले ही प्लास्टिक का ही सही लेकिन इंजन कवर दिया गया है, ये एक अच्छी चीज़ की है। तो इसको सिर्फ दिखावे के लिए SUV नहीं बोला गया है, भले ही वो प्लास्टिक का दिया गया है लेकिन आपको एक स्किड प्लेट दी गई है ताकि एक सेफ्टी भी रहे। इसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आप देखेंगे एक चीज़ और फ्रॉन्क्स की अच्छी है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जितने भी वेरियंट है, चाहे वो सिग्मा से आप अल्फा तक जाएंगे, टायर प्रोफाइल आपको सेम मिलेगा, 195/60R16 का। यहाँ पे अगर हम इसका टायर प्रोफाइल देखें तो 195/60R16 ही है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसमें आपको ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलती है। इसके ऊपर के जो वेरिएंट्स हैं उसमें डायमंड कट सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये हो गई क्लाइडिंग्स, आप देखेंगे तो इस तरह की क्लाइडिंग्स ये यूज़ की गई है, और यहाँ पे नीचे यूज़ की गई है क्लाइडिंग्स, और साथ में ये ट्विन एक दरवाजे पर यूज़ की गई है, एक नीचे के
इस पे यूज़ की गई है। इसके अलावा आपको टर्न इंडिकेटर्स इसमें मिलते हैं और यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिलती हैं जो कि ग्रे कलर में ही है क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है। यहाँ पे कोई आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है क्योंकि ये एक तरह से कह लें बीच का वेरिएंट है और पीछे भी ये क्लाइडिंग्स यूज़ की गई है। वहीं अगर हम बैक से आते हैं तो बैक से आपको देखेंगे तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे शार्क फिन एंटीना आपको मिल रहा है, स्पॉयलर मिल रहा है, स्टॉप लैंप मिल रहे हैं, यहाँ पर डिफॉगर मिला है, लेकिन वाइपर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। वाइपर आपको जीटा वेरिएंट से मिलना शुरू होता है। जो बैक है इसका वो काफ़ी यूनिक लगता है क्योंकि जो स्पेशली इसकी टेल लाइट्स हैं वो आपको एलईडी मिलती है, चाहे आप सिग्मा वेरिएंट लीजिए चाहे अल्फा वेरिएंट लीजिए, ये आप देख सकते हैं आपको एलईडी टेल लाइट मिल रही है। यहाँ एलईडी कनेक्टिंग बार मिलता है लेकिन ये नहीं जलता है, ये आपको ऊपर के वेरियंट यानी जीटा और एल्फा में ही मिलेगा। और ऐसे आप देख सकते हैं स्टॉप लैम्प और ये जो लाइट्स हैं, ब्रेक लगने पर ये लाइट्स थोड़ी तेज़ हो जाती है लेकिन ये दोनों थोड़ा सा आपकी सटल रहती है क्योंकि ये नॉर्मल आपकी पार्किंग लाइट है। तो यहाँ इसके बूट को ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं ये बूट का स्पेस आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप पाएंगे काफ़ी गहरा है ये बूट। और इसमें अगर हम देखें तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे मिलती है, ये भी मुझे लगता है कि 16 इंच का ही साइज़ आपको दिया है तो ये अच्छा है कि आपको सारे पाँचों पहिए में 16 इंच का प्रोफाइल मिल रहा है, चाहे वो बेस हो चाहे टॉप वेरियंट, अच्छा खासा गहरा ये है। लेकिन इसमें आपको बता दें ये आपको 60-40 स्प्लिट पीछे की सीट्स मिलती है। एक छोटा सा कैच इसमें ये है कि ये बलिनो से 10 लीटर कम है इसका बूट स्पेस, लेकिन वो 10 लीटर आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप शहर के लिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट कार ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। वहीं पीछे की तरफ देखेंगे तो ये बैक में आपको स्किड प्लेट देखेंगे, थोड़ा ऊपर तक इसको बनाया हुआ है जिससे ये थोड़ा सा बैक से एक एसयूवी लुक लग सके। तो ओवरऑल अगर आप दोस्तों देखेंगे तो आपको ये काफ़ी डिफरेंट इसका बैक लगेगा, ये एक नई चीज़ है। एक और चीज़ थी कि इसका जो लाइट्स है उसका थ्रो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का थ्रो है, वो आप देख सकते हैं। पहले एक बार आप आगे दिखाना कि ये आप देखेंगे ये दिन का पूरा टाइम है, और फ्रंट से भी आप थोड़ा सा दिखा देना कि फ्रंट से कितना ज़्यादा आपको इसमें नज़र आ रहा है। कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपर डिपर इसका इस तरह से नज़र आ रहा है। और वहीं हम इसका बोनट भी ओपन करके आपको दिखाते हैं, ये 1.2 लीटर वाला इंजन है, ये टर्बो वाला इंजन नहीं है। तो आपको इसका हम इंजन भी दिखा देते हैं कि कितना कुछ इसमें, ये आपको जो रेगुलर बलिनो में इंजन मिलता है वही इंजन यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें थोड़ा ज़्यादा पावर मिलता है, लगभग 90 BHP की आपको इसमें पावर मिलती है और काफ़ी स्मूथ इंजन है। जो स्पेशली BS6 फेज 2 आया है उसके बाद तो ये AC भी ऑन है, लेकिन आप इंजन की आवाज़ देखेंगे बिल्कुल ना के बराबर है, काफ़ी नीट एंड क्लीन इंजन है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, जो मैं बोल रहा था इंजन कवर आपको बोल रहा था फाइवर का भले ही है, उसमें आप अगर ये नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा वो प्रोटेक्ट कर रखा है, पूरा जो नीचे का कवर है वो पूरी तरह से कार का कवर है। और बोनट भी ठीक ठाक वेट है, यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी फ्लैट है। तो लाइट्स भी मैंने आपको दिखा दी, अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ। तो अब इंटीरियर की बात करते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इसमें है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी चाबी दिखाऊंगा, आपको पुश बटन स्टार्ट इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में नहीं मिलता है, ये आपको चाबी से ही स्टार्ट होगी। यहाँ डोर से हम शुरुआत करते हैं तो ये आपको कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और मरून का दिख रहा है, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं है, सॉफ्ट टच केवल आपको यहीं पर मिलेगा। यहाँ पर भी आपको क्रोम नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको यहाँ पे ग्रे कलर में ही मिल रहा है। यहाँ आप एक छोटी बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है। ये स्पीकर्स देखें तो इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट है और वहीं इसकी कॉस्ट अगर बता दें आपको तो 8,73,000 रुपये है क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है। अब आपको इसके इंटीरियर को दिखाएं तो यहाँ पे आपको एनालॉग और बीच में सेमी डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहीं इसको थोड़ा सा स्टार्ट भी कर देते हैं, थोड़ा सा AC ऑन करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। और इसकी बटन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये टेम्परेचर कम करने के लिए, ऑलरेडी लो पे है, ऊपर करते हैं तो ये 18 डिग्री तक। प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ये भैया डेमो की गाड़ी है तो फ्यूल लेवल लो है, इसको हम कम कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिलते हैं लेकिन कोई भी आपको कोई बटन वैसा नहीं मिलता है कि आप मैन्युअली उसको कर सकें यहाँ पे। लेकिन जो इसका टच है उसका रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी क्विक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम इसको
क्लिक कर रहे हैं तो इसका जो रिस्पांस है वो सबसे अच्छा है। 7 इंच का आपको इसका टच स्क्रीन मिलता है। जो ऊपर के वेरिएंट्स यानी जीटा और अगर अल्फ़ा की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ये 9 इंच का हो जाएगा। कंसोल सेम रहेगा लेकिन जो इसका साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। इसके जो बटन्स मैंने आपको एसी दिखाए हैं ये फैन के आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्मूथ है, स्टार्ट है बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। वहीं अगर हम इसकी स्टेयरिंग की बात करेंगे तो आपको केवल स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेगा ऑडियो का और फ़ोन कनेक्ट करने का। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, इससे ऊपर वाले वेरिएंट में वो चीज़ शुरू हो जाएगी। ये आपको ट्रेडिशनल वाइपर और हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे। एसी वेंट्स भी देखेंगे आपको मोरोवर बलिनो, ग्रैंड विटारा और अफ्रॉन्स में एक जैसा ही इसका इंटीरियर मिलेगा, बस साइज़ थोड़ा सा बड़ा और छोटा हो जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो ये भी हार्ड टच ही है, कोई सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन जो इसका कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी यूनिक दिया गया है। ब्लैक है, एक तरह से कह ले सिल्वर है, फिर डार्क बेज में है, फिर मरून में है, तो एक जो कंट्रास्ट है इसको काफ़ी रिच लुक देता है। यहाँ पे ये कंसोल आप देखेंगे तो पूरा यहाँ तक आपको कंसोल दिया है। इसको ओपन करते हैं तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आप यूएसबी करते हैं तो आपको एक यूएसबी ए टाइप मिलती है, सी टाइप का यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्मल हैंड ब्रेक मिलता है, यहाँ पे भी आप मोबाइल अपना इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ये मैनुअल वेरिएंट है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो अच्छा डिसेंट साइज़ इसमें आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये है इंटीरियर का। यहाँ पे बल्ब्स जो आपको मिलते हैं येलो मिलते हैं, इस तरह से अगर देखेंगे तो बड़े ही थोड़े छोटे छोटे ये सनवाइज़र्स दिख रहे हैं। इसमें आपको मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलती है। और ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं। जो इसकी अपोल्स्ट्री है सीट की वो नॉर्मल फैब्रिक में आपको मिलती है। तो ये एक अच्छी एक पैकेज है, एक वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट की बात लोग अक्सर करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप डेल्टा और डेल्टा प्लस में जाते हैं तो आपको लगभग 40-42 हज़ार रुपये का ही अंतर पड़ रहा है। लेकिन उस 40-42 हज़ार में आपको LED DRL मिल रहे हैं, LED लाइट्स मिल रही हैं और अलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं। तो वो जो 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है वो जस्टिफाइड है कि आप लोगे और बाहर से काम कराओगे, इससे अच्छा अगर कंपनी की गाड़ी लेते हो तो ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और इसके अलावा बैक से भी अगर हम इसको अब बंद करते हैं तो पीछे की तरफ आप आएंगे थोड़े से दरवाजे महसूस करेंगे, थोड़े से साइज़ में थोड़े छोटे लग रहे हैं क्योंकि जो इसकी साइज़ है वो ऑलमोस्ट बलिनो के बराबर है, सिर्फ 5 mm ही लगभग ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है और यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आगे यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉफ्ट मिल रहा है, यहाँ पे हार्ड है, तो उसी चीज़ को पीछे कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे आपको साइड में सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है, क्रोम नहीं मिलते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीटिंग पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको लेग रूम मिलेगा। आगे भी मैंने अपने हाइट के हिसाब से सेट किया था, 5'9" ऑलमोस्ट मेरी हाइट है, लेकिन उसके बाद भी अच्छा लेग रूम आपको मिल रहा है। वहीं अगर हेडरूम की बात करें तो ठीक ठाक हेडरूम भी यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा कूपे स्टाइल में है, थोड़ा सा स्लोपिंग है पीछे, तो आपको इस तरह से। और 3 पैसेंजर्स भी अगर मैं मानूँ बहुत ज़्यादा हट्टे कट्टे नहीं रहेंगे तो इसमें बैठ पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों कि एक इशू ये है कि इसमें आपको यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स का पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट दिया गया है तीनों पैसेंजर्स के लिए और बीच वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको हेडरेस्ट दिया गया है। ये एक अच्छी चीज़ है कि मारुति भी अब सेफ्टी पे काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एसी वेंट नहीं मिलता लेकिन ये स्पेस को मारुति ने ना हटाते हुए इसको यूज़ किया है कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिलता है, तो ये 2 तरह का कभी होल आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों अब बाहर निकलते हैं और हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ मैंने ऑब्जर्व किया इस वीडियो में इस कार के बारे में। तो ये मैंने आपको दिखाया मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसको मैं कह रहा हूँ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बलिनो लेने जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी सी SUV में जाना है, या आपका अगर बजट कम है और आप SUV का मज़ा लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। रोड प्रेजेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आप बिल्कुल इस SUV, कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर जो भी कहना चाहें, बट ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है ये और आप बिल्कुल इस पे जा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड टू ऑटो ट्यूब इंडिया।